फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं केला फूल बनाने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने केला फूल को साफ कर ली और उसे कट करके अब मैं इसे गर्म पानी में बॉईल करूँगी। तो गर्म पानी में मैं यहाँ पे थोड़ा हल्दी दे दे रही हूँ और इसी में थोड़ा नमक भी दे दूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं नमक भी दे दे रही हूँ। अब पानी अच्छे से गर्म भी हो चुके मैं केला फूल को इसमें डाल दे रही हूँ। डाल के मैं इसे 10 मिनट के लिए इसमें अच्छे से बॉईल करूँगी कुकर में। यहाँ पे धीरे धीरे करके सारे केले के फूल को हल्दी और नमक पानी में दे दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे केले के फूल को डाल दी और एक बार अच्छे से मिला के इसे मैं ढक देती हूँ और इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से मिला के और यहाँ पे मैं ढक दे रही हूँ। यहाँ पे मैं ढक दी और यहाँ पे मैं मसाला रेडी करती हूँ। मसाले के लिए मैं अदरक लहसुन और एक प्याज और एक आलू ले ली। इसे रेडी करके आपको बताती हूँ। तो चलिए कैसे रेडी करते दिखाते हैं। यहाँ पे एक बार केले के फूल को चेक भी कर रही थी कि वो पक चुके हैं कि नहीं, अच्छे से बॉईल हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर से एक बार चेक की और इसे अच्छे से मिला के फिर से इसे ढक दी। और देखिए यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना ली, टमाटर काट ली, ऑनियन भी काट ली और आलू भी काट ली। यहाँ पे हमारे सारे कुछ रेडी है, मैं सब कुछ कट करके रख ली। अब मैं सब्जी बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो चुका है अच्छे से। मैं पहले से ऑयल डाल दी कढ़ाई में, डाल के इसे गरम कर ली। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले दूंगी। यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा, देखिए ऑयल में अभी मैं दे दूँगी ये सूखी मसाले। अब यहाँ पे मसाला सारा चला गया है सूखी मसाला। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे मिला रही हूँ ताकि ये मसाला जले ना। सकते यहाँ पे चला गया। अब मैं इसी ऑयल में ऑनियन को भी दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं ऑनियन दे दे रही हूँ। ऑनियन को भी 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। उसमें अब हम आलू भी दे देंगे। देखिए आलू भी अब हम इसमें छोड़ दे रहे। धीरे धीरे करके हम मैंने यहाँ पे सारे आलू को दे दे रही हूँ। आलू और ऑनियन को अच्छे से फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई होने तक इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने चला रही हूँ 2 मिनट के लिए और इसे अब मैं ढक दी। देखिए यहाँ पे मैं ढक दी और यहाँ पे हमारा बनाना फ्लावर भी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब मैं देखिए यहाँ पे आलू और ऑनियन भी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें धीरे धीरे करके मसाले डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैंने पहले टमाटर डाल दी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दी। यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर दे रही हूँ। तो देखिए जीरा पाउडर चला गया है। अब मैं उसी मसाले में धनिया पाउडर भी दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा धनिया पाउडर भी चला गया। अब मैं उसमें रेड चिल्ली पाउडर दे दूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रेड चिल्ली पाउडर भी चला गया। अब मैं उसमें हल्दी दे दूँगी। देख सकते हैं यहाँ पे हल्दी भी हमारा चला गया। अब मैं उसी में थोड़ा सा चीनी दे दूँगी। देख सकते हैं यहाँ पे चीनी भी चला गया। अब मैं उसमें नमक दे दूँगी। नमक मैं यहाँ पे थोड़ा ही दी क्योंकि मैं जब केला फूल को बॉईल कर रही थी उसमें भी मैं नमक दी थी, इसीलिए सारे मसाले को अच्छे से चला के इसे ढक दूँगी, ढक के पकाऊंगी। देखिए 2 मिनट के लिए ढक के पकाई। अभी हमारा मसाला का कलर कितना अच्छा दिख रहा है और मसाला में से तेल भी अलग हो चुका है और हमारा टमाटर भी अच्छे से गल चुकी है। अब इसे मैं अच्छे से चलाऊंगी। सकते यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे चला रही हूँ। चलाने के बाद अब मैं इसमें केला फूल को दे दूँगी जो पहले से बॉयल करके उसमें से पानी निचोड़ के रखी थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे केले के फूल को दे के और मसाले के साथ अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपने, मैं केले के फूल को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके और इसे ढक 1 मिनट के लिए ढक के पकाई। अभी देख सकते हैं हमारा 1 मिनट के बाद मैं इसे ढक्कन निकाल के फिर से एक बार इसे अच्छे से चलाऊँगी ताकि मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि हमारे केले के फूल इसमें ऑयल में और मसाले में अच्छे से पके हैं कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बार चला के फिर से एक बार ढक दी। अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर रही हूँ, यहाँ पे फिर से एक बार चेक की और इसे अच्छे से मिला रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा हाई फ्लेम करके इसे फ्राई कर रही हूँ, जल्दी जल्दी रेड हो जाए इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा हाई फ्लेम की। देखिए यहाँ पर हमारा रेडी है। अब मैं ऊपर से थोड़ा इसमें गरम मसाला दे दे रही हूँ। मसाला देने से बहुत अच्छा खुशबू आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने गरम मसाला दे के इसे
एक बार मिला के इसे फिर से एक दो मिनट के लिए अच्छे से फिर से इसे पकाऊं। यहाँ पे हमारा फूल बन के है। अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ, तो देख ही सकते हैं यहाँ पे आप, मैं प्लेटिंग कर रही हूँ।